आज हम बेहद आवश्यक टॉपिक एलर्जी पर चर्चा करेंगे। एलर्जी अति संवेदनशीलता को कहते हैं, और जब हमारा शरीर किसी चीज के प्रति विरोध जताता है, यही एलर्जी है। जैसे हमारा शरीर जब किसी विशेष पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता दिखाए, इसे ही एलर्जी के कहते हैं। विरोध जताता है हमारा शरीर के प्रति, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो सूंघने में हो, और चाहे वो वातावरण में हो। धरती पर उपस्थित प्रत्येक चीज से किसी को भी एलर्जी हो सकती है। एलर्जी स्वयं को पता नहीं चलती, डॉक्टरी जांच से पता लगती है, ब्लड की जांच से पता लगती है कि हमको किस चीज़ से एलर्जी है। जिस पदार्थ के प्रति यह विरोध जताता है हमारा शरीर, उसे एलर्जन कहते हैं। ये समस्या काफी गंभीर रूप में जन्म ले रही है अब, क्योंकि हमारे चारों तरफ एक तो नकली खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, भोजन में बहुत ज्यादा नकलीपन चल रहा है। पहले लोग बहुत उम्र तक जीते थे और उनको ऐसे रोग होते भी नहीं थे, लेकिन आज मिलावट का ज़माना है, नकली चीज़ों का ज़माना है, इसलिए ये एलर्जी ज़्यादा फैल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का होता है, उसकी नेचर आंतरिक रूप से अलग होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी सबको किसी एक चीज़ से ही एलर्जी हो जाए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, और शरीर विरोध जता सकता है उसके प्रति। अब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज से, पदार्थ से एलर्जी मानता है, उसका शरीर एलर्जी मानता है, उस पदार्थ को एलर्जन कहते हैं। उस पदार्थ को जिससे उसको एलर्जी है, एलर्जन कहलाता है। और ये जब हमारा जो शरीर का इम्यून सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम उसे विरोधी तत्व के रूप में लेता है हमारा शरीर, और उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाने लगता है किसी भी पदार्थ के विरुद्ध। तो जब विरोधी तत्व के रूप में हमारा शरीर उसको लेता है, तो क्या होता है कि उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाने लगता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होने लगता है। इन एंटीबॉडीज से हिस्टामिन नामक केमिकल निकलता है, जिसके कारण लक्षण उत्पन्न होते हैं। किसी में किसी तरीके के लक्षण उत्पन्न होते हैं, किसी में किसी तरीके के लक्षण उत्पन्न होते हैं। एलर्जी के कारण क्या है? मौसम में आया अचानक परिवर्तन भी एलर्जी उत्पन्न कर सकता है। मौसम में आया अचानक परिवर्तन, जैसे गर्मी, सर्दी, तो अचानक जो परिवर्तन आता है वो भी एलर्जी उत्पन्न करता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है अनुवांशिकता। एक ही परिवार के लोगों को एक ही पदार्थ से एलर्जी हो सकती है, एक ही परिवार के, तो इसको कहते हैं अनुवांशिक। इस आधार पर भी एलर्जी हो सकती है। एक ही परिवारों के लोगों में, परिवार के लोगों में एलर्जी के कारण अस्थमा रोग हो सकता है। प्रदूषण, प्रदूषण के कारण तो बहुत ही होता है, धूल, धक्कड़, धुआं, इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी उत्पन्न होती है। गाड़ी, मोटर, फैक्ट्री, धुएं निकलते हैं, पेड़ों की संख्या लगातार कट रही है। पेड़ ही तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और पेड़ ही हमें बचाते हैं, हम लगातार उन्हें काट रहे हैं। जो प्रदूषित पानी है, जैसे फैक्ट्री में से निकला या और भी प्रदूषित पानी है, तो उससे भी एलर्जी हो सकती है। उसमें नहाने से या पीने से एलर्जी हो सकती है। परागकणों से भी एलर्जी होती है। परागकण जो होते हैं फूलों में, फूलों में पॉलन ग्रेन्स, अंग्रेजी में कहते हैं पॉलन ग्रेन्स और हिंदी में कहते हैं परागकण, तो उनसे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। सौंदर्य प्रसाधन, अब पुरुष हो या स्त्री, सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, सभी फैशन की तरफ भाग रहे हैं, सभी सौंदर्य। तो क्या है कि सौंदर्य के जो साधन है, जैसे केमिकल युक्त पाउडर, लिपस्टिक,
शैम्पू, साबुन, ये चीजें भी एलर्जी उत्पन्न कर रही हैं। किसी के शरीर को कोई चीज उचित नहीं लगती तो उसके प्रति एलर्जी हो जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये सौंदर्य के साधन, कुछ लोगों को धातु से भी होता है, जैसे सोना है, लोहा है, एल्युमिनियम, इससे भी हो सकता है एलर्जी। कुछ लोगों को अजीब तरीके का होता है, जैसे कॉकरोच से और कीटों से एलर्जी होती है, तो इनसे भी एलर्जी हो सकती है। भोजन तो प्रमुख स्थान रखता है, प्रदूषण और भोजन बहुत प्रमुख स्थान रखता है एलर्जी के मामले में। दूध, खीरा, टमाटर, बादाम, अंडा, मछली तथा बाजार में जो केमिकल मिला हुआ भोजन बिकता है वो एलर्जी का प्रमुख कारण है। किसी को दूध से एलर्जी है तो किसी को खीरे से, किसी को टमाटर से, किसी भी पदार्थ से, अंडे से एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को मेडिसिन से यानी दवाइयों से होती है, जैसे पेंसिलिन किसी को माफिक नहीं आता, पूरा शरीर विद्रोह कर देता है, उसका सूज जाता है। पेंसिलिन का इंजेक्शन जब तक टेस्ट ना कराया जाए जब तक नहीं लगवाना चाहिए। सल्फर ड्रग्स, दर्दनाशक दवा, ये सारी की सारी जो दवाएं हैं इनसे एलर्जी हो सकती है किसी को। अब एलर्जी के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, ये अलग अलग लक्षण हर एक में दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति में जैसा, दूसरे में वैसा लक्षण नहीं, अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं सब व्यक्तियों में। तो पहला जो है नाक में एलर्जी, बार बार जुकाम होना, छींके आना किसी भी चीज के प्रति, ये एलर्जी के लक्षण है नाक के। त्वचा में भी, त्वचा में तो चकत्ते पड़ जाते लाल रंग के, अगर त्वचा के प्रति हो और खुजली मचती है, त्वचा पर सूजन आ जाती है, अगर किसी को इसके प्रति एलर्जी है तो त्वचा में भी ऐसा दिखाई देता है। किसी को आँख में भी तकलीफ हो सकती है, जैसे आँख खुजाना, लाल हो जाना आँख को, आँख में पानी निकलना, ये सब। भोजन दूध, अंडा, मछली, खीरा, टमाटर, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे क्या होता है, गैस बन सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ये एलर्जी के लक्षण। सारे शरीर में एलर्जी हो जाती है कभी कभी, पूरा शरीर ही सूज जाता है, पूरा शरीर विरोध करता है एकदम। तो क्या है कि कभी कभी घबराहट होती है, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है और चेहरे पर भी सूजन आ सकती है एलर्जी के कारण। मेडिसिनल एलर्जी दवाओं से जो होती है ये जरा गंभीर है, जो दवा से जो होता है उसको तुरंत इलाज की जरूरत होती है, उसको तो डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना चाहिए या तो अस्पताल में दाखिल करना चाहिए। जिसको दवाइयों के प्रति अगर दवाइयाँ रिएक्शन कर जाए तो फिर उसका कोई वो नहीं, सीधे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए बिना देर किए, क्योंकि जान भी जा सकती है। एलर्जी का निदान क्या है, इसका कैसे इसको खत्म करें हम, सबसे पहली बात तो डॉक्टर के पास जाकर के ब्लड टेस्ट करा करके ये जांचना चाहिए कि हमें किसके प्रति एलर्जी है, किस पदार्थ के प्रति एलर्जी है। और किसी भी उम्र में ये हो सकती है, किसी भी समय में हो सकती है, जैसे ऑफिस में बैठे हैं या घर में ही बैठे हैं या कहीं सड़क पे हैं, किसी भी समय। एक तो उम्र का कुछ नहीं है इसमें, इसी उम्र में होगी, और समय का भी नहीं पता कि किस समय एलर्जी उत्पन्न हो जाए। एलर्जी से बचने के क्या उपाय हैं, तो सबसे पहले हमें एलर्जन से दूर रहना होगा। एलर्जन वे पदार्थ हैं जिनको हमें एलर्जी होती है, जिन पदार्थों से उसे एलर्जन कहते हैं, तो वे पदार्थों से दूर रहना सबसे बढ़िया है। अगर हमें पता लग चुका है कि हमें कैसे एलर्जी है तो हमें उन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। गंदगी आसपास भी न रहने दें, घर में भी न रहने दें, गंदगी न रहने दें। गर्म, हम ज़्यादातर शादी ब्याहों में जाते हैं तो हम ठंडी और गर्म चीज़ें एक साथ खा लेते हैं, वो भी गलत है। हम बाहर से घूम करके आए गर्मी में और घर में आते ही बिल्कुल ठंडा पानी पी लिया, या कूलर में बैठ गए या एसी में बैठ गए, तो वो भी बहुत हानिकारक है। तो ये एलर्जी इससे हो सकती है। दूसरे, जो हमारे उठने बैठने के कपड़े हैं, सोने के कपड़े हैं,
उनसे भी हमको एलर्जी होती है। जैसे हमें उनको साफ करके, जैसे गर्म पानी में खूब साफ करके धोया, अच्छी तरह सुखा दिया, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य वाले जो चीजें हैं उनको कम यूज करना चाहिए, क्योंकि तो पता नहीं किस चीज से एलर्जी हो जाए। और ज्यादातर अच्छी चीजें यूज करनी चाहिए, और देसी चीजें यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। होटल में खाना खाने से बचना चाहिए, होटल में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं एलर्जी वाले। दूसरे, घर में जब स्त्रियां साफ सफाई करें या कोई भी और सड़क पे भी सफाई करें तो कपड़ा मुंह से बांध दें, तो कपड़ा मुंह से बांधने से इतनी एलर्जी का प्रभाव नहीं होता। विटामिन सी और विटामिन ई का जो लोग अधिक उपयोग करते हैं तो इससे क्या है, एलर्जी कम होती है। विटामिन सी किन चीज में होती है, विटामिन सी होती है समस्त खट्टे और कच्चे फलों में, खट्टे और कच्चे फल में नींबू है, संतरा है, आंवला है, इन सब चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन ई पाया जाता है दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जियां, इनमें पाया जाता है विटामिन ई। और ज्यादातर डॉक्टर के पास जाकर के ये चेक कराना बिल्कुल जरूरी है कि हमें किस चीज के प्रति एलर्जी है। थैंक यू वेरी मच।